Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I received an email from someone in my friends list that he wants to create this infographic. ऐसी जो भी shapes हैं जिनमें हम किसी picture या किसी graph के ज़रिए अपने जब data को हम represent करते हैं तो उसे infographic कहा जाता है. So he has requested कि मुझे ये infographic जो है वो बनाना सिखा दें. So उनको तो मैं reply कर रही हूँ via email. मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए भी एक tutorial जो है वो इस पर बना दूँ. So it's a very simple process. आप यहाँ पर जब PowerPoint के अंदर इस ribbon पर आएंगे तो आपके पास ये insert की option आ रही है. यहाँ पर आपको smart art की option मिलेगी. आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको इसमें different options यहाँ पर बताएगा. ऑल के अंदर आपको सब तरह के नज़र आ जाएंगे इन्फोग्राफिक्स. अदरवाइज़ इसको फर्दर उसने कैटेगरीज़ में भी डिवाइड किया हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ यहाँ पर तरीक़ाकार अवेलेबल हैं. ये शेप्स हैं. इसके अलावा प्रोसेस है, साइकिल्स हैं, हायरार्की है और रिलेशनशिप्स और इसी तरह से बाकी मैट्रिक्स, पिरामिड और पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं. अभी जो रिक्वेस्ट मुझे रिसीव हुई है वो आई बिलीव कि हमें प्रोसेस में मिल जानी चाहिए. एंड हेयर इट इज़. सो दिस इज़ द वर्टिकल शेफ्रन लिस्ट है ये और हम इसको यहाँ पर जो है वो ओके कर रहे हैं. सो इन दिस वे हमारे पास एग्जैक्टली सेम जो है वो लिस्ट यहाँ पर जो शेप है वो हमें यहाँ पर मिल गई है. अब जब आपने देखा कि जब ये इसको मैंने इंसर्ट किया है तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास जो हैं वो स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स की जो हैं वो डिस्प्ले हो गई हैं. आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्लेस कर सकते हैं और इस पर 3D इफ़ेक्ट भी आप इसमें दे सकते हैं. फर्दर अगर आप चाहें तो आप इसमें इसके कलर स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं. कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की हुई हैं. इसमें कुछ सिमिलर कलर्स भी हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको मुकम्मल तौर पर रीकलर भी कर सकते हैं. दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिविटी जो आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं. मूविंग ऑनवर्ड्स फॉर दिस, अगर आप इसमें जब आप इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे. यहाँ पर सिंपल आपके पास ऑप्शन है. मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पर अगर मैं कॉपी करूँ इट वुड बी एनुअल प्रायोरिटीज. सिंस इट्स अ पिक्चर तो मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकती हूँ. यहाँ पर आपने किया बेस्ड ऑन करंट एंड अब आपने यहाँ पर देखा कि ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3 की ऑप्शंस दे रहे हैं जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5 ऑप्शंस रिक्वायर्ड है. सो इसमें सिंपल तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर आकर इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको वो ऐड शेप की ऑप्शन दे रहा है विच मीन्स बिफ़ोर और आफ्टर. अगर आप बिफ़ोर करेंगे तो वो इससे इस शेप से ऊपर आपको एक ऑप्शन दे देगा. मैं आपको करके दिखा देती हूँ. सो एट द मोमेंट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड. वी वॉन्ट वन आफ्टर दिस. सो we could simply by selecting add shape you must select add shape after. So here it is. ओके गाइस, सो दिस इज़ रेडी फॉर यूज़. अब आप इसको रीकलर कर सकते हैं. आप चाहें तो आप इन एरोज़ को जो बेसिकली हेडिंग्स हैं आप इनको सिलेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे फॉर्मेट में जाके आप इनको रीकलर कर लें. आप इसकी आउटलाइन को अगर चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं. जो भी फर्दर आप इसमें जो है वो अमेंडमेंट करना चाहें. इन केस अगर आपको लग रहा है
कि ये आउटलाइन जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आउटलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ देखिएगा वो आपको इसमें वेट की ऑप्शन दे रहा है। इसका जो विड्थ है वो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने पर आप ये देखिए ये बहुत विजिबली जो हैं ये इसकी जो विड्थ है इसकी आउटलाइंस की वो बढ़ रही है। आप इसे ऐसे कर लीजिए, आप इसमें इसका जो फॉन्ट है वो आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी फॉन्ट इसमें रखना चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन की थीम के साथ चल रहा है। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसको प्रेजेंटेशन मोड में जब आप इसे चलाएं तो वो पढ़ने में आसान होना चाहिए और ऐसा ना हो कि जो आपके अटेंडीज हैं वो इसको पढ़ ना सकें। बस इस एक बात का आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि सारा कुछ जो है वो इटैलिक्स में ना हो और सिंपल हो और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो पढ़ने में रीडेबल हों। सो ट्राई दिस गाइज, इट्स अ वेरी सिंपल इन्फोग्राफिक और आप इसमें फ़र्दर अगर चाहें तो आप इसको फ़र्दर इनोवेट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि इट वॉज़ अ यूज़फुल ट्यूटोरियल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।